हेलो क्लास 10। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कॉपी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हम मार्क कर लेते हैं 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 माइनस 1, इसे हम 3 मार्क कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब भी हम 1 से निकालेंगे x या y की वैल्यू तो उसे 2 में पुट करेंगे, और जब भी 2 से निकालेंगे x या y की वैल्यू तो उसे 1 में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 14 माइनस y, 14 माइनस y माइनस y इज इक्वल टू 4। x की जगह हमने 14 माइनस y लिख दिया, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस एंड माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 आ गया, y इज इक्वल टू 5। y की हमारी वैल्यू है 5। नाउ पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। y की वैल्यू जो है 5 हम इक्वेशन 3 में डालेंगे। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। x हमारा 9 है, y हमारा 5 है। आंसर चेक करते हैं, यस x 9 y 5, हमारे आंसर्स करेक्ट हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं s माइनस t इज इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस p अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसे 1 एंड इसे 2 मार्क कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। 1 से इक्वेशन निकाली है तो इसे 2 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। एस की जगह 3 प्लस टी लिखेंगे, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी इज इक्वल टू 6। 2 3 इज 6, 2 इंटू टी इज 2 टी प्लस 3 टी, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 6 इंटू 6, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। आप यहां डायरेक्टली 36 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू हमारी आ गई है 6। नाउ पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम डालेंगे t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। s आ रहा है हमारा 9, t आ रहा है 6। आंसर चेक करते हैं, यस आंसर करेक्ट है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. मार्क कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 we will get minus y is equal to 3 minus 3x or minus y is equal to minus 3x minus 3 bracket में आ गया y is equal to 3x minus 3. ये हमारी हो गई third equation. Substitute y is equal to 3x minus 3 in equation 2. 3 से y की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 9x minus 3 bracket 3x minus 3 is equal to 9. 9x minus 9x plus 9 is equal to 9. 9x and 9x will be cancelled, यह आ गया 9 is equal to 9. LHS is equal to RHS आ गया हमारे पास. इसका मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है y की किसी भी वैल्यू के साथ इन इक्वेशंस को. नॉर्मल वे में हम समझेंगे जब LHS is equal to RHS आ गया है तो इसका मतलब हमारे पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशंस सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है. अगर आप देखें ध्यान से तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर इक्वेशन 2 आ जाएगी. तो इसका मतलब ये है दोनों इक्वेशंस सेम ही हैं, अलग अलग नहीं है. इसकी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, हम इसके नीचे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर all values of y, x. तो ये हमने यहाँ x लिया था, तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू हम ले लें उन सभी के लिए हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है. However, we don't get any specific value of y as well. क्योंकि x की कोई specific value नहीं है हमारे पास, तो y की भी कोई specific value नहीं आएगी. This is because we don't have any specific value of x. Okay, हमारे पास x की भी कोई specific value नहीं है. This situation has arisen because both equations are same. दोनों equations same हैं. जैसे मैंने आपको कहा अगर आप equation 1 को 3 से multiply कर देंगे तो वो equation 2 के बराबर आ जाएगी. Thus we have, या आप लिखेंगे there exists infinitely many solutions. ये स्टेटमेंट है
कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है 9 = 9 ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, हालांकि हमें वाई की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्स की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुई है क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस सेम ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, इसलिए इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट की हमारे पास इक्वेशंस हैं जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डेसिमल की बात एक एक प्लेस की है। ओके, तो आप जो है 1/10 1/10 लेके कॉमन लेके उसे कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माफ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 we get 0.2x is equal to 1.3 minus 0.3y, x is equal to 1.3 minus 0.3y upon 0.2. ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज आवर इक्वेशन 3। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू of x from equation 3 in equation 2. 0.4 multiply 1.3 minus 0.3y upon 0.2 plus 0.5y is equal to 2.3. ये decimal हट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बिकॉज बेसिकली ये भी एक तरीके से डिवीजन में ही। नाउ वी विल गेट 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। सॉल्व करते हैं। माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई माइनस 0.1 वाई इज इक्वल टू 2.3 माइनस 6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3। माइनस से माइनस हट जाएगा, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। डेसिमल्स हट जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। ये हमारा y आ गया है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। x is equal to 1.3 minus 0.3 bracket 3 upon 0.2, 1.3 minus 0.9 upon 0.2, 0.4 upon 0.2, decimals are joining 1, 2, so x is equal to 2, x 2 है, y 3 है, answer check करते हैं, fourth part, yes, x is equal to 2, y is equal to 3, our answers are correct. Thank you.
फिफ्थ पार्ट करता हूँ, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, वन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमारे पास आ जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू वाई, दिस इज थ्री। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू, रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, माइनस थ्री अपॉन रूट टू इज इक्वल टू, सॉरी माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेते हैं, माइनस थ्री माइनस रूट सिक्सटीन वाई अपॉन रूट टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, टू यहां गया जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। माइनस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर। बट एक चीज यहां समझने वाली है कि जहां पर भी हमारे पास जीरो और जीरो होगा आरएचएस में, वहां पे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। इसका मतलब ये क्लियर है कि हमने कुछ मिस्टेक, यानी कि मैंने कुछ मिस्टेक इसमें कर ली। मिस्टेक ये है कि यहां पे वाई नहीं लगाया। अब जरा वाई लगा के सॉल्व कर देते हैं, और वाई लगा के जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस सेवन आएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरीके की अगर दो इक्वेशंस आपके पास आ रही है तो एक्स और वाई की वैल्यू जीरो ही आएगी हर केस में, पर अगर आपकी वाई की या एक्स की कुछ और वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अब वाई की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, x is equal to minus under root 3 upon under root 2 multiply 0, x is equal to 0. x भी हमारा 0 आया है, y भी हमारा 0 आया है, इसका आंसर हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की इक्वेशंस में हमेशा आपका x और y दोनों 0 ही आएंगे, इट इज फॉर श्योर। अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट इज थ्री एक्स अपॉन टू माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, एंड एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। ये हमारी सिक्स पार्ट की दोनों इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का सिक्स आएगा,
9x minus 10y is equal to minus 2. This implies that 9x minus 10y is equal to minus 12. This is our first equation. And 2x plus 3y upon 6 is equal to 13/6. This implies that 2x plus 3y is equal to 13/6 multiply 6, cancel ho jayega. 2x plus 3y is equal to 13. Ye hamari second equation hai. From equation 1, से हमारे पास इक्वेशन 1 इज लुकिंग डिफिकल्ट, तो हम इक्वेशन 2 से कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x from equation 3 in equation 1, क्योंकि मैंने ये 2 से डिराइव किया इक्वेशन, तो मैं 1 में पुट करूंगा. 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 3. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 13 9s are 117, 9 3s are 27y upon 2 minus 10y is equal to minus 12. 117 minus 27y minus 20y upon 2 is equal to minus 12. 117 minus 47y is equal to minus 24. मल्टीप्लाई हो जाएगा. minus 47y is equal to minus 24 minus 117 minus 47y is equal to 4 minus 141. Minus and minus cancelled. Y is equal to 141 upon 47. 1, 3. See, 47 multiplied 3, 3 7s are 21, 3 4s are 12, 13, 14. 141 hi hota hai. So y is equal to 3. Y ki value aa gayi hamari 3. अब हम y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेंगे. अच्छा, बस यहां लिखिए. पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. x is equal to 13 minus 3 multiplied 3 upon 2, 13 minus 9 upon 2, 4 upon 2, x is equal to 2. 1, 2. Let me check the answers. X is 2 and y is 3. Yes, answers are correct for this question. This part also, sorry. And question number 1 jo hai hamara, wo complete ho gaya hai. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Y is equal to mx plus 3 हमें अलग से given है, हमें m की value निकालनी है. और यहाँ इन दोनों equation से आने वाले जो x और y है वो इसे satisfy करेगी. पहले हम mark कर लेते हैं. 1, 2. From equation 1, 3y is equal to 11 minus 2x, y is equal to 11 minus 2x upon
ये हो गई इक्वेशन थ्री। सब्स्टिट्यूट आप एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकालकर फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई, मैंने वाई की वैल्यू निकाल के फिर सेकेंड इक्वेशन में डालनी है, आप एक्स की निकाल के भी सेकेंड इक्वेशन में डाल सकते हो, आपके आंसर सेम आएंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू, टू एक्स माइनस फोर ब्रैकेट 11 माइनस टू एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस 22। एलसीएम ले लेंगे, थ्री सिक्स एक्स माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24। 6x प्लस 8x इज 14x माइनस 44। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, माइनस 72 आ गया। 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44, 14x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, 12 माइनस 4 इज 8 एंड 6 माइनस 4 इज माइनस 28। एक्स इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 14, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 2। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम एक्स की वैल्यू डाल देते हैं माइनस 2, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 11 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 5 y इज इक्वल टू 5। हमारे पास x आया माइनस 2, y आया है 5। अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इट इज गिवन टू अस। नाउ For x is equal to minus 2 and y is equal to 5, 5 is equal to m bracket minus 2 plus 3, 5 minus 3 is equal to minus 2 m, 2 is equal to minus 2 m, 2 upon minus 2 is equal to m, m is equal to minus 1, m की वैल्यू आ रही है माइनस 1, आंसर चेक कर लेते हैं। एम की वैल्यू आ रही है माइनस 1, यानी हमारी सारे आंसर्स करेक्ट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 वो भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आज बताए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।